हाँ यारों ने बताया, सच्ची में बताया। कमाल अग्रवाल साहब, भाई आपका जो बेटा है ना, मतलब कमाल का है। मतलब कि पहले उसने मुझे फुटबॉल मारा और फिर इनको फुटबॉल की तरह पिटवा डाला और उसके बाद झूठा फोन करके पुलिस को बुला लिया। भाई इस ठो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए बोलिए जरा। इंस्पेक्टर साहब, यारों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। छोड़िए ना सर, बच्चा है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक बच्चा ही तो है। हमसे भी मांगिए, हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं। हाँ चतुर्वेदी साहब, आपसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बिगड़ बिगड़ के कितना बिगड़ गया है हमारा यारो। आज हो के कितना नाराज हो रही थी मिसेस गुप्ता। वो तो अच्छी बात है कि वो हो के मेरी फिक्स क्लाइंट है, कोई और होता तो समझा समझा के समझाना मुश्किल हो जाता। यारो यारो, बेटा तुमने आखिर पुलिस को फोन किया क्यों? पापा आप ही ने कहा था बच्चे को उठाने वाला किडनैपर होता है। मैंने देखा एक आदमी अपने बच्चे को उठा रहा था तो मुझे लगा वो किडनैपर है, और पापा मैंने ऐसे किया, मेरे हाथ में फोन आ गया पापा, तो मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पापा यारों को थोड़ी पता था कि वो आपकी और मेरी तरह पापा और बेटे हैं। देखा आपने बीना जी, हमारा यारों कितना भूला है। बेचारे में न छल है, न कपट है, ना कोई चालाकी है। इसने गलत फहमी में आकर गलती से पुलिस को फोन कर दिया। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। अरे अरे कोई बात नहीं यारो, बस इतना ध्यान रखना कि अगली बार ऐसी कोई हरकत कर करके नहीं करनी। बीना जी मैं बताना भूल गया आपको, कल वो कूल एडवर्टाइजिंग वालों का फोन आया था, उनका आदमी रहने के लिए आ रहा है हमारे फ्लैट में यहाँ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो फ्लैट पूरा गंदा पड़ा है। अरे अभी तो हो के उस फ्लैट की सफाई भी नहीं हुई है, हमें ना मिल मिल के वक्त ही नहीं मिल पाया। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, यारो है ना, यारो साफ कर करके सफाई कर देगा। अरे बेटा ऐसे मत बोल, ऐसे बोलने वाला एक ही काफी है इस घर में, मैं दो दो को नहीं झेल सकता। मतलब? मतलब ये कि हमारा यारो कितना जिम्मेदार हो गया है, खुद साफ सफाई करने की बात कर रहा है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। हाँ वो तो है, बहुत समझदार हो गया। लेकिन एक बात बताइए, ये आके जो आने वाले हैं, कुछ पता है कि वो हैं कौन कौन? बेटा प्रेम, फिलहाल मुंबई जैसे बड़े शहर में ना तुझे इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। सो जा बेटा, यहीं सो जा, और कोई ऑप्शन नहीं है, सो जा यहीं। हेलो मम्मी। हेलो प्रेम पुत्र, कहाँ है तू? मम्मी मैं जो ऑफिस वालों ने घर दिया ना वहीं पे तो हूँ। भाई पुत्र मुझे ना बड़ा ही बुरा सपना आया, वो एक्चुअली बालकनी में बैठा हूँ ना, इसीलिए गाड़ियों की आवाज सुन रही होगी आपको। अब मुझे सोने दीजिए ना, अब भी सो जाइए। ठीक है पुत्र, सो जा आराम से, मुझे फिर कोई सपना आएगा ना तो मैं फिर से फोन करूंगी तुझे। हाँ ठीक है मम्मी। बेटा अमर, अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी तुझे, पता नहीं कदा प्रेम कहाँ से बीच में आ गया। और वो गधा अमर उल्लू पाजी जिसने मारी मेरी खुशियों पे भाजी, पता नहीं कहाँ से टपक गया। बेटा अमर, अगर ये नौकरी उस फेकू नंबर वन को मिल गई ना, मैं उसका गला पकड़ूंगा, मैं उसके बाल लूटूंगा। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? सॉरी भाई साहब, माफ कर दीजिए, इट्स ओके ब्रो।
तो ये है तेरा 7-star होटल है? तो ये है तेरा 5-star होटल। वैसे प्रेम मेरे भाई एक बात बोलूं। बोल यार। यार हमारी जॉब ही सेम नहीं यार, हालात भी सेम है यार। हाँ यार फिलहाल ऐसा करते हैं यहीं सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के देखेंगे कि किसकी किस्मत में नौकरी है और किसकी किस्मत में फुटपाथ। फुटपाथ समझा, बड़ा है। हाँ मम्मी। प्रेम पुत्र तू कहाँ सो रहा, सच्ची सच्ची बताओ मेरे को। क्यों क्या हुआ? मैं अपने बेड पे सो रहा हूँ अपने कमरे में। नहीं नहीं पुत्र, मैंने अभी सपना देखा कि तू रोड की साइड पे जो फुटपाथ होता है वहाँ पे सो रहा है। नहीं नहीं मम्मी, मैं फुटपाथ पे क्यों सोऊंगा। आप सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए, ऑफिस जाना है सुबह जल्दी। ठीक है पुत्र, तू भी सो जा आराम से है। हाँ ओके, आई लव यू मम्मी। SDM माफी जाना है, लेट हो रहा हूँ। अरे 11 बजे 10 मिनट बाकी और ये स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा। भग रोर कर रहा है। यारो पापा कहते हैं सबकी हेल्प करनी चाहिए, मैं चतुर्वेदी अंकल की हेल्प करूंगा, अंकल खुश हो जाएंगे। चतुर्वेदी अंकल। क्या हुआ चतुर्वेदी अंकल? अरे चतुर्वेदी नहीं, चतुर्वेदी समझे? ओके अंकल। अरे यार तुम जाओ, हम बहुत टेंशन में हैं। लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। अरे हुआ ये कि हमको 11 बजे SDM ऑफिस पहुंच रहा था और ये स्कूटर जो है एकदम ठो हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा यार। यारो आपकी हेल्प करे। तुम हमारी क्या हेल्प करोगे? आप कहो तो इसको रिपेयर कर दो। नहीं रिपेयर नहीं, एक काम करो, हम बैठते हैं तुम धक्का मारो, ठीक है ना? आजो फटाफट आजो। अंकल कितनी दूर जाना है? अरे यार 53 किलोमीटर जाना है और हमको वहाँ 11 बजे पहुंचना है, और देखो 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मतलब 10 मिनट में हमको वहां पहुंचना है, समझ गए ना? अब मुंह ना देखो यार, जाके धक्का मारो ना तुम। 318 किलोमीटर की स्पीड से धक्का मारता हूँ जिससे ये टाइम पे वहां पहुंच जाए। रेडी चतुर्वेदी अंकल। अरे जाओ ना यार, उचक रहे हो, चलो जाओ यार, जल्दी मारो ना अंकल। पक्का 10 मिनट्स? अरे हाँ भाई पक्का, मारो जल्दी से यार, चलो। बच गया रे, अरे बच गया। अरे ये क्या हो गया? अरे ये कैसी टो हो गई हमारे साथ? अरे हमें तो उस लड़के पर पहले शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि हो ना हो उस लड़के में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे इतनी तेज उसने धक्का मार दिया, 10 मिनट में मैं यहां पहुंच गया। बताओ ऐसी हालत में हम SDM साहब के ऑफिस कैसे जाएं? हमें तो कुछ तो नहीं हो रहा है, हम क्या करें? हाँ हम बाद में यहाँ आएंगे, तो अभी हम घर जाते हैं। लेकिन हमारे स्कूटर को धक्का कौन मारेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भिखारी समझता है क्या? अरे हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, ये पैसा ले, चलो घर चलते हैं।
अंकल। अंकल यारो आपकी कोई और हेल्प करे। नहीं। गोगी गोगी ओ गोगी क्या है, क्यों चिल्ला रहे हैं? गोगी पानी। अरे वो रहा पानी। अरे अरे या तो रुकिए या तो चलिए। और ये क्या हाल बना के रखा है आपने, हुआ क्या है? अरे वो क्या है ना? अरे वो सब जाने दीजिए, डिस्टर्ब कर दिया ना आपने मुझे, मैं उस पे बात कर रही थी। अरे पूछिए ना किस पे बात कर रही थी। अरे किस पर बात कर रही थी? अरे फोन पे बात कर रही थी, और किस पे? वो क्या है ना, मिस्टर सक्सेना ने हमारी डॉली के लिए बहुत अच्छा सा वो ढूंढा है। अरे पूछिए ना क्या ढूंढा है। क्या ढूंढा है? रिश्ता ढूंढा है, और क्या ढूंढा है? गोगी हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि डॉली हमारी साली नहीं बल्कि हमारी बेटी की तरह है। अरे दहेज में तुम्हारे साथ आई थी जब वो 5 साल की थी, और उसके बारे में जो भी अच्छा बुरा है ना वो सब मैं ठो देखूंगा। कहने का मतलब ये है कि उसके लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। देखिए अगर आप उसके जीजा है तो मैं उसकी दीदी हूँ, आप भले ही लड़का ढूंढ लो, बाकी मैं ही वो करूंगी। अरे पूछिए ना जी क्या करूंगी। क्या करूंगी? अरे फाइनल करूंगी, और क्या करूंगी। अरे आपके लाड़ प्यार ने उसे इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि एक लड़की होकर लड़कों जैसा हरकतें करती है। बादाम मिल्क। अरे जीजू ये हालत आपकी कैसे हुई? अरे बेटा ये बड़ी लंबी कहानी है, ये हम तुम्हें बाद में सुनाएंगे, लेकिन ये सारी करतूत उस यारो की है। कौन यारो? अरे वो अग्रवाल साहब का बेटा जो मथुरा से आया है और यहाँ रह रहा है। मैं कह रहा हूँ वो एकदम गड़बड़ लड़का है। अरे इसमें तो शक्कर है ही नहीं। हाँ तो मुझे शक्कर मिली नहीं। और शक्कर इसलिए नहीं मिली कि शक्कर उसमें है ही नहीं। अरे पूछिए ना शक्कर किसमें है ही नहीं। किसमें नहीं है? घर में शक्कर है ही नहीं। अरे तो खरीदनी चाहिए थी ना शक्कर। चतुर्वेदी जी आपको पता है ना, ये गोगी जी ने पिछले 20 साल से आज तक किचन का कोई भी सामान नहीं खरीदा है, बल्कि वो किया है। अरे पूछिए ना क्या किया है। अरे क्या किया है? अरे अड़ोसी पड़ोसी से अरेंज किया है, और क्या किया है? भूल गए। और सुन लीजिए जी, जब तक आप आपके आने वाले रिश्तेदारों के लिए कहीं और रुकने का इंतजाम नहीं करेंगे, तब तक आपको ये फीका बादाम का दूध, फीकी चाय, फीका हलवा और सब कुछ फीका ही मिलेगा। हाँ। क्या? अरे गोगी, अरे तुम्हें पता है ये अग्रवाल जी की वजह से आज हमको फीका बादाम का दूध पीना पड़ रहा है। अगर हमारी बात वो मान लेते तो हमारी जिंदगी फीकी थोड़ी रहती है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उनके रहने का कुछ ना कुछ ठोक करते हैं। फिलहाल तुम लाकर इसमें मिलाओ शक्कर, और हम कूल एडवर्टाइजिंग से जो लोग आ रहे हैं ना उनको भगाने का चलाता हूँ चक्कर। जीजू मैं अभी आई। डॉली। डॉली नहीं यारो हूँ। अरे मैं डॉली, नाम तो सुना ही होगा, नए लगते हो। थैंक यू, पूरा नया हूँ। देखो रिश्ते में तो हम चतुर्वेदी जी की साली लगते हैं, नाम है डॉली। आई और बेफिजूल की बात करने की आदत मुझे है नहीं, फिर भी पूछ लेती हूँ नाम क्या तुम्हारा? यारो का नाम यारो है, Y.A.R.O. यारो। जीजू सही कह रहे थे, तू है तो बहुत अजीब। देख मैं तुझे यही समझाने आई हूँ कि आज के बाद
अगर तूने मेरे जीजू को परेशान करने की कोशिश की तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम कंफ्यूज आ जाओगे कि हाथ जोड़े कि पांव पड़े. अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड. ओके, फुटबॉल खेलें. फुटबॉल खेलें, चल. यारों को कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहा क्या बोला. साफ सफाई करने का टाइम हो गया. गंदा घर है लेकिन यारो साफ करेगा कि आने वाले एकदम खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह यारो. अब यहां से मैं पूरी नजर यारो पे रखूंगा और वो भी एकदम ठो. मम्मी, यारों ने किया बिल्कुल साफ, एकदम चकाचक. बहुत अच्छा किया यारो, थैंक यू. अब कर करके एक काम और कर दो. वो मिसेस गुप्ता याद है तुम्हें? अरे वही जिनके हस्बैंड को तुमने समझ के किडनैपर समझ लिया था. उनके घर जाओ और जल्दी से ये ब्यूटी क्रीम उन्हें दे दे के वापस आओ. ओके मम्मी, मैं यूं गया. यूं आया? नहीं 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 नहीं, ऐसे तुम्हें नहीं जाना है यारो. एक नॉर्मल इंसान की तरह जा के जाओ और एक नॉर्मल इंसान की तरह आके वापस आओ. नॉर्मल इंसान की तरह? हाँ. बीना जी, बीना जी, लो आके आ गई कोगी जी. अब आई हैं तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगी. बताइए ना, आके कैसे आना हुआ? अरे वो क्या है ना, हम चतुर्वेदी जी के लिए बादाम दूध बनाने गए थे किचन में. अब हम क्या देखते हैं? अरे पूछिए ना क्या देखते हैं. क्या देखते हैं? अरे हम देखते हैं कि वो तो है ही नहीं. अरे पूछिए ना क्या तो है ही नहीं. बताइए ना क्या तो है ही नहीं. शक्कर, तो हम तुरंत क्या सोचे? अरे पूछिए ना हम क्या सोचे. क्या सोचे? अरे इसमें चिंता करने की कौन सी बात है. शक्कर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपनी बीना जी तो है. अरे अरे अरे, आप ये मत समझिए कि दूध में शक्कर की जगह मैं आपको डाल दूंगी. मेरे कहने का मतलब ये है कि बीना जी तो है, उनके घर पे जाके शक्कर मांग लूंगी. अब वो थोड़ी ना है. अरे पूछिए ना जी क्या थोड़ी ना है. अरे क्या थोड़ी ना है. अरे पराई और क्या. सही है, हम पराए थोड़ी ना है. आप यहीं रुकिए, हम ला ला के शक्कर लेकर आते हैं आपके लिए. हाँ जी जी जी. अरे सुने हैं आपके घर पे नए किराएदार आने वाले हैं आज. देखिए मामला जरा डिस्प्यूट में चला गया है. एक पोस्ट पर दो लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती और पोस्ट भी खाली नहीं रखी जा सकती. इसीलिए जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि तुम दोनों में से ये नौकरी किसे दी जाए, तब तक हमने ये नौकरी किसी को दे दी है. नहीं 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 नहीं, तीसरी को दे दी है. क्या, कौन है वो तीसरी? तीसरी नहीं, उसका नाम है शिल्पी. शिल्पी, शिल्पी पेडनेकर. वैसे लोग प्यार से मुझे सेल्फी पेडनेकर भी कहते हैं. इसी बात पे सेल्फी दुख बनती है ना. आप
पता नहीं कैसे उतारा ये बटन, तो ऊपर चली गई। नैतिक, ऋषभ, गोलू, बंटी, क्या हो गया मेरे दोस्त? देखो ना भैया, हमारी पतंग ऊपर अटक गई है। भैया, यारो है ना, यारो तुम्हारी मदद करेगा। एकदम ठो। जब यारो निकला तभी हम भी निकले, लेकिन वो कुछ सेकंड में गायब कहाँ हो गया? चक्कर क्या, कहाँ गया होगा वो? बाप, ये तो पोल पे ऐसे ही चढ़ गया। थैंक यू भैया। पता नहीं कैसे चढ़ गया मुझे भी तो अपने साथ। यारो, चतुर्वेदी अंकल। अरे चतुर्वेदी नहीं, चतुर्वेदी। बेटा एक बात बताओ, कि हमने अभी देखा कि तुम पोल पे चढ़ गए, तो बेटा ये बताओ कि तुम चढ़े तो चढ़े कैसे? ऐसे। अब जाऊं? हाँ जाओ। मैं भी नहीं मानूंगा, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मीडिया के पास जाऊंगा मैं। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। हाँ अमर, बोल रहा हूँ अमर। आपकी कंपनी के ज्वाइनिंग लेटर पे साफ साफ लिखा है, जो हमें दिखा है, हाँ। कि आप हमें जॉब भी देंगे और रहने के लिए घर भी। Excuse me, जिसे जॉब मिली उसे घर भी मिलेगा, तो जॉब मुझे मिली है इसीलिए घर भी मुझे ही मिलेगा। लुटेरों के खानदान की हो क्या? हाँ, नौकरी लूट ली, सपना लूट लिए, खुशियां भी लूट ली, आप सर छुपाने की जगह भी लूट रही हो। मैं भी देखता हूँ कैसे होता है। मैं इस कंपनी की बिल्डिंग के बाहर भूख हड़ताल करूंगा, धरना दूंगा मैं। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। हाँ अमर, बोल रहा हूँ अमर। अब हम देखते हैं कि तुम ये जॉब करती कैसे हो, कंपनी के दियो घर में रहती कैसे हो। चल अमर। हाँ भाई चल। अरे अरे सुनो ना, सुनो, एक मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ, कंपनी के दिए हुए घर में तुम दोनों भी रह लो। ये क्या कह रहे हैं आप? शिल्पी एक बात सुनो, मान जाओ वरना ये नौकरी चौथे को, याद आया? ठीक है। मान गई। ये तो मान गई, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। प्रेम क्या कर रहा है इतना साइड में? क्यों भाई क्या कर रहा है, मान जा यार, वरना वो देख। कहाँ? कहाँ नहीं भाई, वहाँ, वो दोनों। कौन दोनों? अरे भाई हम दोनों साथ साथ ऑन फुटपाथ। हमें मंजूर है। गुड वेरी गुड। मगर एक मिनट मिस्टर मैनेजर, उस घर में हम रह के खाएंगे क्या? हाँ, हवा पियेंगे क्या? गुस्से के घूट। अगर घर का बंटवारा हुआ है तो सैलरी का बंटवारा भी होगा। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। हाँ अमर, बोल रहा हूँ। देखिए सैलरी तीन हिस्सों में बटेगी। हाँ तीन। हाँ। एक मिनट, मतलब मैं यहाँ पूरे दिन ऑफिस में काम करूँ और सैलरी इन दो बेरोजगार में बांटू? नहीं, इतना दान पुण्य करने का ना कोई शौक नहीं है मुझे। तो ठीक है फिर, हम चले मीडिया के पास। चल मेरे भाई प्रेम। अरे सुनो, एक काम करते हैं हम लोग, है ना, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। सैलरी के तीन नहीं दो हिस्से होंगे, हैं? आधी सैलरी शिल्पी रख लेगी और आधी आपस में तुम दोनों बांट लेना, है ना शिल्पी? अरे शिल्पी समझ जाओ, वरना ये नौकरी किसी चौथे को देनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, 50% सैलरी में से ना ही मैं काम वाली रख सकती हूँ और ना ही कुक अफोर्ड कर सकती हूँ, तो घर के सारे काम इन दो बेरोजगारों को करने होंगे। ओ मैडम, अमर नाम है मेरा, आज तक मैंने अपने घर में एक गिलास पानी उठा के भी नहीं पिया है, तुम्हारा काम करूंगा मैं। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। मुझे क्या पता अमर, मैं तेरे घर थोड़ी ना देखने आया था। तू मेरे साइड। क्या हो गया? त्रिभुति। कहाँ? कहानी वहाँ, वो दोनों। कौन दोनों? हम दोनों, फिर रोते हुए और दूसरों के घर में बर्तन धोते हुए। हमें मंजूर है। गुड। आप तुम तीनों इस दिए हुए पते पर फटाफट पहुंच जाओ। पढ़ दिया? अब दूसरा कार्ड नहीं है,
अब तुम तीनों इसको जोड़ तोड़ के दिए हुए पते पे पहुंच जाओ। हाँ जी। और हाँ, तुम तीनों ऐसे लगने चाहिए जैसे बचपन के पक्के दोस्त हो। हम तीनों। हाँ, तुम तीनों, क्योंकि तुम तीनों के दोस्ती के किस्से सुना के ही अग्रवाल साहब के घर में तुम लोगों को रुकवा पाऊंगा मैं। चलो फटाफट निकलो और पहुंच जाओ। चलो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.